नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं अखिलेश शुक्ला, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ नेटवर्क। बायोडीजल के अवैध कारोबार के राज्यव्यापी नेटवर्क के मास्टरमाइंड मनीष मारवाड़ी गांधीधाम जांच में सामने आए। इको सेल की टीम ने 40 वर्षीय भावेश प्रभुलाल सेठ रहे लीला शहर गांधीधाम को कच्छ से गिरफ्तार किया है, जो गांधीधाम स्थित फर्म अरिहंत एंटरप्राइज के स्थापक एवं पूर्व राज्य मंत्री के बेटे के साथी हैं। रविवार को इको सेल ने भावेश सेठ को कोर्ट में पेश किया और एक दिन की रिमांड पर लिया, जिसे अरिहंत एंटरप्राइज के भावेश सेठ की संलिप्तता सामने आई है। अन्य भागीदारों के संलिप्तता की जांच की जाएगी। इससे पहले कि मामले में भावेश प्रभुलाल सेठ, नीरो प्रदीप भाई मेहता, रमेश बाबूभाई विनम्र, रणछोड़ वासन भाई अहिर और गांधीधाम स्थित अरिहंत एंटरप्राइज के 5 भागीदारों शंभू रामजी भाई जारू को सूरत इको सेल कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने कहा कि भागीदारों की ओर से एक वकील मौजूद था। इससे पहले मुकेश बाबू कसवाला और अंकित रामनरेश सेन, मुकेश मारवाड़ी के भाई ओम प्रकाश राव, तत्कालीन सूत्रधार मनीष मारवाड़ी सहित 7 आरोपियों को बायोडीजल मामले में गिरफ्तार किया गया था। मनीष मारवाड़ी नई मुंबई पोर्ट और कंडला पोर्ट से तेल टैंकर मंगवा रहे थे, फिर उन्होंने बायोडीजल बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन और बेस ऑयल, मूल डीजल और रसायन को मिश्रित किया था।